आपको माइक्रो मैनेजमेंट का चाणक्य कहा जाता है, और ये कहा जाता है कि आपकी हर सीट पर बहुत पैनी नजर होती है, जहां वोटिंग हो जाती है वहां आप कुछ दिनों के भीतर वहां कितनी वोट से कौन सी पार्टी जीतेगी उसका भी आकलन कर लेते हैं बूथ वाइज जा जाके। मेरा सवाल ये है कि 4 जून को नतीजे आपके आकलन के मुताबिक अभी तक की जो दौर की वोटिंग हो चुकी है उसमें बीजेपी के चरण में 190 से ज्यादा सीटें जीतकर बड़ी बढ़त बना है एनडीए, 190 से ज्यादा सीटें जीतकर, और चौथा चरण हमारे लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। अब उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम और मध्य सभी हिस्से अगर देख लें तो आपके हिसाब से इस बार बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा कठिन इलाका कौन सा है? हमारा सबसे ज्यादा फायदा पूरब में होगा, बंगाल में होगा, उड़ीसा में होगा, और नॉर्थ ईस्ट में भी थोड़ी बढ़ोतरी करेंगे, और सबसे बड़े बेनिफिट हमें दक्षिण में भी होने जा रहा है। अब मेरी बात आपकी चैनल पर मैं देश की जनता के कंजम्पशन के लिए कहना चाहता हूं, क्योंकि अब चुनाव हो चुका है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल 5 राज्यों की सीटें मिलकर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनने जा रही है। ये 5 राज्यों में सबसे ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, और ये दक्षिण में हमारा बहुत बड़ा प्रवेश होगा। पिछले 2 चुनावों में तमिलनाडु और केरल में वोट शेयर लगभग हर चुनाव में बीजेपी का ऑलमोस्ट डबल होता जा रहा है। इस बार आने वाले चुनाव की बात कर रहा हूं भैया, 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल बनकर उभरने जा रही है, और पश्चिम उत्तर प्रदेश में, और उसके बाद जो शुरू हुआ उत्तर प्रदेश में, इन टोटो हम सीटों में बढ़ोतरी करेंगे।